हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक दो दिन पहले अशोक तंवर अचानक से कांग्रेस के मंच पर राहुल गांधी के साथ नजर आए। कांग्रेस नेताओं के साथ अशोक तंवर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हर कोई हैरान था कि आखिर अशोक तंवर ने यूं अचानक बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ क्यों थाम लिया, वो भी उस समय जब चुनाव में महज दो दिन बचे थे। टिकट मिलने की दूर दूर तक ना तो कोई उम्मीद थी और ना ही इसको लेकर बॉर्गेन करने का टाइम। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पार्टी की पूरी देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, उसे छोड़ तंवर ने कांग्रेस में घर वापसी की। मंच पर मौजूद एक अन्य शख्स बीजेपी नेता को देख हैरान था। कांग्रेस के मंच पर अशोक तंवर की मौजूदगी उसके मन में एक साथ कई सवाल खड़े कर रही थी। उसके चेहरे के भाव ये साफ जाहिर कर रहे थे कि वो कांग्रेस के मंच पर अशोक तंवर के आने से खुश नहीं था। उसे पार्टी के भीतर अपने सियासी रसूख पर कुछ देर के लिए शक भी होने लगा था। उसे लगा कि पार्टी ने बिना बताए कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये नेता कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। क्योंकि मंच पर राहुल गांधी से लेकर हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लिहाजा भूपेंद्र हुड्डा ने मानो जहर का घूंट पी लिया हो। इसे सियासी पाबंदी कहें या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिसने भूपेंद्र हुड्डा को अशोक तंवर का स्वागत करने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर हुड्डा ने खुद आगे बढ़कर अशोक तंवर को पार्टी का पटका पहनाया और उनका स्वागत भी किया। लेकिन ऐसा करते समय उनके चेहरे पर नाराजगी और हैरानगी साफ झलक रही थी। दरअसल अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी रहे हैं। अशोक तंवर लगभग 5 साल 8 महीने तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तभी से उनके और भूपेंद्र हुड्डा के बीच तनातनी की खबरें सामने आती रही। दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। हरियाणा की राजनीति की नजदीक से देखने वालों की माने तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बाते थे। आए दिन इशारों इशारों में दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कई बार कांग्रेस आलाकमान ने इन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन तंवर और हुड्डा के बीच की खाई दिन बर दिन गहरी होती चली गई। फिर 2014 का विधानसभा चुनाव आया। दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की लड़ाई में जुट गए, लेकिन इस लड़ाई में भूपेंद्र हुड्डा ने बाजी मारी। 2014 के चुनाव में तंवर की पसंद के उम्मीदवार की अनदेखी की गई। हुड्डा के कहने पर ही उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिया गया। कांग्रेस के इस फैसले से अशोक तंवर कैंप में मायूसी छा गई थी। 2019 में भी टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की ही चली, जिससे नाराज होकर आखिर में अशोक तंवर ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा बनाम अशोक तंवर की लड़ाई में आखिर जीत हुड्डा की ही हुई। अब जब अशोक तंवर की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हो गई है, तो यहाँ वो भूपेंद्र हुड्डा से अपने अपमान का बदला लेंगे। क्या कांग्रेस ने उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव से ठीक दो दिन पहले पार्टी में ज्वाइन कराया है? क्या कांग्रेस हाईकमान ने अशोक तंवर को पार्टी में शामिल कर भूपेंद्र हुड्डा को कोई संदेश देने की कोशिश की है? क्या तंवर के कांग्रेस में आने से पार्टी में कमजोर पड़ चुकी शैलजा को कोई नई ताकत मिलेगी? क्या हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के बढ़ते कद से हाईकमान घबराने लगा है? ऐसा इसलिए कि शैलजा और सोनिया के बीच मीटिंग के बाद ही बड़े गुपचुप तरीके से अशोक तंवर की कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराई गई। खैर, इन सारे सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपा है, जिनका जवाब आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। खैर, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का ये दाव उसके लिए वरदान साबित होता है या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।